5 मिनट तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम रहा है विमेंस में, और विमेंस का स्ट्राइक रेट और मेंस का तो खैर डिफरेंट होता है, मगर विमेंस में भी हमारा स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो भी ओवरऑल क्रिकेट है और उसके साथ जो कोचिंग स्टाफ अटैच है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की, इस पे कभी मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हुए देखा नहीं है। जब मैं सिलेक्टर था, एक साल तो रहा हूँ, टीमों के साथ भी रहा हूँ, इस पे कोई काम होते हुए देखा ना, इसकी इंपॉर्टेंस को भी गया। दूसरा, मैं बार बार बहुत दफा ये चीज रिपीट कर चुका हूँ, जब हम किसी वक्त जब टीम के साथ एज ए कोच होते हैं तो हम एक वैल्यू सेट करते हैं, उस वैल्यूज में ये सारी चीजें कवर होती है। विमेंस कप का फाइनल हुआ और मुझे तो बस फाइनल मैंने सारा तो नहीं देखा, लेकिन जो मैंने हाइलाइट्स वगैरह देखे उसका मैं यही सोचता रहा, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान टीम भी कमाल है यार, मतलब कैसे हार गई ये श्रीलंका सेमीफाइनल में, मेरे मत्थे नहीं पड़ा बिल्कुल, बिकॉज श्रीलंका वॉज नो मैच फॉर इंडिया एट ऑल टूडे, मतलब इट वॉज टोटली वन वे ट्रैफिक, मतलब इंडियन वुमेंस टीम कितनी स्ट्रांग है आज उन्होंने क्लियर बता दिया। लेकिन स्मृति मंधाना एज यूजल उसने अपने खूबसूरत शॉट्स खेले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वुमेन्स एशिया कप 2022 बांग्लादेश में चल रहा था। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वुमेन्स एशिया कप 2022 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से मात दे दी है। बात करें अगर मैच की तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकन वुमेन्स टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 65 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य अपने नाम कर लिया। भारत ने यह टारगेट 8 ओवर में ही कंप्लीट कर लिया था। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने शानदार पारी खेलते हुए 25 बॉलों में 51 रनों की इनिंग खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज का दिन पूरी तरह से इंडियन बॉलर्स के नाम रहा। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने 3 विकेट, राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट और स्नेह राणा ने 2 विकेट अपने नाम किए। रेणुका सिंह को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ दीप्ति शर्मा को पूरी सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस के कारण प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय महिला टीम की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की इस जीत को लेकर क्या कहा है। कि भाई इस स्टेज पे आपको ये रिक्वायरमेंट थी, आपने वो एफर्ट्स हमें नजर नहीं आई, तो ये चीज हम लैग कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक स्किल होना, स्किल तो हमारे पास है मगर हम स्किल्ड नहीं है, हमें वो जैसे कहते हैं कैपेसिटी नहीं है कि बुरे और मुश्किल वक्त में हम अपने उस स्किल को पूरी तरह डिलीवर कर सके। खेलना में आता मगर हमें वक्त पे खेलना भूल जाते हैं, तो ये खराबी है और ये बड़े आसानी से इसको रिमूव किया जाता है, इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन कोचेस तब्दील कर दिए जाते हैं, अप्रोच क्यों नहीं तब्दील होती है, जो विमेंस की एक जो पावर है विमेंस क्रिकेट में उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। वही रटे रटाए जमले वही बातें, 10-15 रन हमें शॉर्ट रहते हैं, हमने क्रिकेट को एंजॉय किया, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, इनकी एंजॉयमेंट पे लग रहा है कि इन्होंने क्रिकेट को एंजॉय किया। थाईलैंड से हार गई वो भी शायद एंजॉय किया, श्रीलंका से ले दे के एक मैच जीत गए वो शायद श्रीलंका ने अपने जो है वो फाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए अपने आपकी अपनी तवानाइयां अपनी सलाहियतों को बचा के रखा, और जब यहाँ पे वक्त आया तो फिर ये मैसेज ये मिल रहा है कि जी एंजॉय किया। जब उसी ने मतलब विनिंग सिक्स मारा, यानी कि वन मैन आर्मी 66 का टारगेट, उसमें से स्मृति मंधाना 51 कर रही है भाई, कमाल देखें आप। एंड एज यूजुअल शी प्लेड ब्यूटीफुली, शी सच अ एलिगेंट प्लेयर टू वॉच यार, मैं बार बार ही बात करता हूँ लेकिन जितनी दफ़ा मैं उसको बैटिंग करते देखता हूँ, और जैसे वो ड्राइव करती है और बाहर निकल के, आज जिस तरह उसने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को जो उसने शॉट्स खेले निकल के बाहर, एक उसका जो शॉट है ना जो वो जो स्पिनर को इनसाइड आउट मारती है बाहर निकल के ओवर कवर, दैट इज समथिंग रियली ब्रिलियंट टू वॉच यार, व्हाट अ फैंटास्टिक बैट्समैन यार, आज उसने शो किया कितनी। तो यानी कि तकरीबन कोई 11 ओवर पहले इंडिया जीत गया, 7वीं दफा एशियन वुमेन्स चैंपियन वो बन गया। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ कर रहा है और उनकी तारीफ बनती भी है। भारतीय वुमेन्स लगातार एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अभी तक टोटल 8 एशिया कप के टाइटल हुए हैं, जिसमें से 7 बार इंडिया चैंपियन बनी है। केवल एक बार इंडिया इस कप को जीतने में नाकाम रही है और वो 2018 में, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर 2022 में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम एशिया कप की चैंपियन बन चुकी है।
जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस लगातार काफ़ी अच्छी रही है, चाहे फिर वो कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो या फिर अब एशिया कप। इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि फैसिलिटी के मामले में हम भी इंडियन प्लेयर्स के बराबर ही प्लेयर्स को फैसिलिटी देते हैं, लेकिन रिजल्ट के मामले में जीरो हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी प्लेयर्स कोई भी बड़ा इवेंट जीतने में नाकाम रही हैं और ना ही वो किसी बड़े टीम को हरा सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या कोई भी बड़ी टीम, सभी टीमों को हराने में सक्षम है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।